हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये पोर्ट्रेट लूमिस मेथड से। ज़्यादातर पोर्ट्रेट मैं लूमिस मेथड से ड्रॉ करता हूँ। जितना भी ड्राइंग वीडियो अभी यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ वो सारा पोर्ट्रेट ड्राइंग लूमिस मेथड के ऊपर ही है। अगर आपको लूमिस मेथड का बेसिक पता है तो ये ड्राइंग आप लोगों के लिए थोड़ा आसान होगा समझने में। इससे पहले लूमिस मेथड का बेसिक और ऐसा एक क्ले मॉडल लूमिस हेड आप कैसे बना सकते हैं इसके ऊपर मैंने एक बढ़िया सा वीडियो बनाया है। दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए, कोई भी पोर्ट्रेट सिर्फ लूमिस मेथड से ड्रॉ करना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहें तो विदाउट लूमिस मेथड भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए उसे सही से ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, आपको सही से उसे फेस को स्टडी करना पड़ेगा, और धीरे धीरे करके ये सब चीज़ आप समझ पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे रोज़। तो अगर आप लूमिस मेथड से पोर्ट्रेट ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या फिर विदाउट लूमिस मेथड भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो बेसिक है वो है फेस को 3 पार्ट में पहले डिवाइड करना, जैसे कि यहाँ पे हेयर लाइन, आईब्रो लाइन और नोज़ लाइन मैंने मार्क किया है, और उसके साथ साथ चिन लाइन मार्क किया है। तो यहाँ पर फेस 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। वैसे ही अगर आप विदाउट लूमिस मेथड ड्रॉ कर रहे हैं तो जो रेफरेंस इमेज आपने लिया है ड्रॉ करने के लिए वहाँ पे आपको सही से ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। फेस के लेंथ के अकॉर्डिंग विड्थ कितना होगा इसे आपको सही से ऑब्जर्वेशन करना होगा, फिर फेस को 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। और यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना होगा हेयर लाइन टू आईब्रो लाइन, आईब्रो टू नोज़ और नोज़ टू जो चिन का लेंथ है रेफरेंस इमेज में, क्या ये लेंथ इक्वल है या फिर हेयर लाइन टू आईब्रो लाइन थोड़ा ज़्यादा लेंथ है आईब्रो टू बॉटम ऑफ द नोज़ के हिसाब से। ये चीज़ आपको ध्यान पे रखते हुए ये लाइन मार्क करना है। तो इस तरह से फेस का शेप अगर आप ड्रॉ भी कर लेते हैं तो आय, नोज़ और लिप्स को सही प्रोपोर्शन से ड्रॉ करना मुश्किल होता है। अगर आपको आय, नोज़ और लिप्स को सही शेप एंड साइज पे ड्रॉ करना आता है तब भी सही प्रोपोर्शन से ड्रॉ करना मुश्किल होता है। तो इसके लिए आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ड्रॉइंग बेहतर होगा और आप सही एक्यूरेसी के साथ कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए मैं कैसे ये पोर्ट्रेट ड्रॉ करता हूँ। अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप एक कमेंट पे बोल सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं @nobin पे, और कोई भी सवाल वहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हैं, आप मुझे DM कर सकते हैं। तो बने रहिए आप मेरे साथ, और इंस्टाग्राम पे भी जाके आप फॉलो कीजिए, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो वीडियो को एंड तक देखिए एंड एन्जॉय कीजिए। थैंक यू।